साहब मेरी कुछ मदद कर दो, मेरे भाई बहन है, उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। कुछ नहीं खाया तो इसमें मैं क्या मदद करूं? अरे मेरे पास तो खुद नहीं है खाने के लिए, तो मैं तेरी मदद कहां से करूं? जाके किसी और से मांगो मदद। साहब आप इतने अच्छे तो दिखते हैं, आपके पास 10 रुपए तो होंगे, आप मुझे उनको ही दे दो, मैं अपने भाइयों को कुछ खिला दूंगा। खिला दूंगा? अरे 10 रुपए चाहिए ना तुझे? अरे मेरे पास एक फूटी कोड़ी नहीं है चहर खाने के लिए, तुझे यकीन नहीं होता ना? तो ये देख जेब खाली है मेरी, मैं कहां से दूं तुझे पैसे? आप इतने अच्छे तो दिखते हैं साहब, आपके पास 10 रुपए भी नहीं है देने के लिए। अच्छा बुरा दिन सबकी जिंदगी में आता, भगवान आपका भी भला करेगा। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। अरे क्या खाक भगवान साथ देगा मेरा। भैया रुको रुको। जी भाई साहब बोलिए। भाई कहाँ जा रहे हो आप? बस यही पास में जा रहा था रेलवे स्टेशन तक। आप मुझे भी वहाँ तक छोड़ दोगे? लेकिन भाई मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप भाई, आपका किसी ने पर्स वर्स मार लिया है क्या? नहीं भैया पर्स तो नहीं मारा मेरा किसी ने, लेकिन मुझे आपको देने के लिए पैसे नहीं है। अरे भैया ऐसी भी क्या बात हो गई, आप देखने में तो अच्छे खासे लगते हैं, और रही बात पैसों की, मुझे तो कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो वैसे भी वहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप ठीक ठाक लग रहे हैं और आप स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर टिकट भी तो खरीदेंगे ना, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। भाई वो सब मैं नहीं जानता, बस आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। अरे भाई ऐसा भी क्या काम आ गया, जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप घर कैसे जाएंगे, टिकट कैसे खरीदेंगे? भाई मुझे जाना है तो जाना है, इससे आपको क्या? लेकिन भाई साहब जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे ना कि आपको क्यों जाना है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैं कह रहा हूँ ना मुझे वहाँ तक छोड़ दो बस। देखो भाई साहब अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि आपको स्टेशन पर क्यों जाना है, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। और वैसे भी आप इतना परेशान लग रहे हैं, कम से कम आप मुझे अपनी परेशानी तो बताओ। अरे क्या करोगे परेशानी जान के? तुम्हें परेशानी जाननी है ना तो मैं ट्रेन के आगे कटूंगा, सुसाइड करनी है मुझे। क्या सुसाइड करनी है? अरे भाई आप तो दिखने में पढ़े लिखे लगते हो, फिर आपको ऐसा घिनौना काम क्यों करना है? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो आप ऐसा कदम उठाने चले हो? दिखावटी लोग और दिखावटी बातें। अरे ये सूट जो कभी मेरी पहचान बनता था, आज यही मेरी मौत की वजह बन गया है। अरे मैंने इतनी सारी कंपनियों में पैसा लगाया, सब बेकार गया। अरे मेरे सर पे कर्जा हो गया, अब वो कर्जा मांगने वाले मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मेरे घर जाएंगे, मेरी बीवी बच्चों से पैसा मांगेंगे, ना जाने मेरे साथ क्या होगा, क्या क्या बोलेंगे वो। बस मैं अब कुछ नहीं जानता, मुझे सुसाइड करना है, और उसके बाद जो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे वो मेरी बीवी बच्चों को मिल जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, और जिनका कर्जा है उनका कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। अरे वाह सर सही कहा आपने, माना कि आपके इंश्योरेंस के पैसों से आपका कर्जा भी दूर हो जाएगा और आपके घर वालों को भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप अपनी फैमिली को ये मैसेज देना चाहते हो कि मुसीबतों से भाग जाओ, मर जाओ, जाके ट्रेन के आगे कट जाओ? नहीं सर, क्या कल को आपके बच्चे यही सब सीखेंगे कि जब भी मुसीबत आए तो वो गलत कदम उठा लें? अरे सर मेरे पिताजी कहते थे कि जब भी आंधी तूफान आए ना तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन ये जो जमीन की घास है ये वैसी की वैसी रहती है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कभी कभी ना पेड़ बनने की जगह जमीन की घास बनना अच्छा होता है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं होती और हमें छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। काम कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई मायने नहीं रखता, बस हमें मेहनत करनी होती है सर। और मैंने भी इंजीनियरिंग की थी और सोचा था कि MNC कंपनी में जाके अच्छी जॉब करूं, अच्छे पैकेज पे रहूं, लेकिन मेरी किस्मत में शायद ये सब नहीं था, तो मैं आज पार्ट टाइम वेटर की नौकरी कर रहा हूं। क्या आप एक इंजीनियर हैं और आप वेटर की नौकरी कर रहे हो? अरे आप में इतनी हिम्मत कहां से आई? भाई क्योंकि मैंने पेड़ बनने की जगह जमीन की घास बनना पसंद किया, शेर बनने की जगह चिड़िया बनना पसंद किया, और चिड़िया अपने लिए बड़े बड़े महल नहीं बनाती, वो तो छोटे से घोंसले में भी खुश रहती है। वैसे ही मैंने अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया, जो पसंद है उसे हासिल कर लो और जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो। अब मैं जॉब तो कर नहीं सकता था, जो भी मिला खुद को उसी में खुश रखा। अगर ऐसा सोचेंगे ना सर तो आधी परेशानियां तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। एकदम सही कहा आपने, अगर भाई आज तुम नहीं होते तो शायद मैं ट्रेन के नीचे आकर मर गया होता। आपने इतनी बड़ी बात बताई, थैंक यू सो मच। और आपने बताया कि मुसीबतों का हल सुसाइड नहीं होता। ठीक है भैया अब परेशान मत हो, अब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको रेलवे स्टेशन नहीं आपके घर छोड़ूंगा सीधा। ठीक है भैया बैठो।
हाँ भैया।